हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉक्स ऑफ रिशिका। तो कैसे हैं आप सब? चल रही है सबकी प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से? तो ऐसे उंगलियों पे गिने हुए दिन बच गए हैं, स्पेशली आरआरबी पीओ मेंस के लिए। हालांकि नेक्स्ट कलर मेंस के लिए भी ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक पेपर है। अभी पीओ होगा, उसका मेंस, देन कलर का मेंस है अभी। उसके बाद कुछ दिन ही शायद बीतेगा, दो चार दिन, तो आईपीएस पीओ अपना लेगी। फिर नेक्स्ट उसके बाद जिनका होगा कलर को, उनका मेंस होगा। तो बैक टू बैक पेपर है। और इस बीच बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि फाइनली जो बैंकर्स का ड्रीम होता है, जिस बैंक का, वो SBI ने अपना नोटिफिकेशन रिवील कर दिया है। मतलब SBI PO का नोटिफिकेशन रिवील हो गया है। लोगों को ये लग रहा था, मतलब सबको ऐसा लग रहा था, इवन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पहले अगर कोई नोटिफिकेशन अभी आएगा तो है SBI कलर का, या फिर मे बी RBI मे बी असिस्टेंट का। बट उसका तो जैसा कि सर ने बताया था, काश यादव सर ने, कि अभी थोड़ा टाइम है, बट SBI कलर चांसेस ज़्यादा थे इंस्टीड ऑफ SBI PO नोटिफिकेशन देगी। तो खैर, वो होता है ना कि कुछ भी सोच लो कर लो, लेकिन अंतिम फैसला तो उन लोग का ही होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक शॉर्ट नोटिस में, जो कि क्लियर यहाँ पे लिखा है। ये सारा, ये एक्चुअली SBI PO के ही PDF का एक पार्ट है, जिसमें शो हो रहा है कि जो इसका टेंटेटिव डेट होता है ना, शॉर्टकट में दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 7/9 से शुरू होगा, मतलब 7 सितंबर से, और 27 सितंबर तक इसका ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डेट फॉर्म फिल का। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी भी, मतलब जाहिर सी बात है, यही डेट के बीच में होगा, आप इसके बाद नहीं कर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर डाउनलोड है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नवंबर में इसका प्री हो जाएगा। रिजल्ट नवंबर दिसंबर आसपास होगा, और मेंस जो होंगे वो दिसंबर और जनवरी के बीच होगा। मतलब 2 से 3 महीना में आपका प्री मेंस, मतलब प्री तो आपका 2 महीने के अंदर ही है, मेंस के लिए और 1.5 महीना मिले, मतलब 2-3 महीने में आपका प्री मेंस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सब तो सारा आपका वो है कि मेंस अगर आपका निकलता है, तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इंटरव्यू, GD, जो भी GE होते हैं, वो सारा जनवरी फरवरी में ही होगा, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है। और फिर फाइनल रिजल्ट है वो फरवरी मार्च में आ जाएगा। मतलब चार, मतलब कितना हो गया, सितंबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में जिन लोगों का भी सिलेक्शन इसमें होता है, वो उनका, मतलब जो कहते हैं ना, बैंक का जो भी प्रिपरेशन करता है, उनका एक ड्रीम ज़रूर होता है कि वो SBI PO ज़रूर क्रैक करें। लोग भले ही कुछ भी बोलें, लेकिन भाई रॉयलिटी है, इससे तो कोई झुटला नहीं सकता है, कोई भी नहीं। प्रेशर, ये वो फलान ढिकान, ये सब बस कहने की बात है, ठीक है, सब कुछ है निगेटिव, लेकिन जो बात है वो फैक्ट है। SBI PO जैसा कोई भी प्रोफेशनरी ऑफिसर इतना सैलरी और पर्क्स नहीं है उतना। PO तो अपने आप में एक बहुत रॉयलिटी होती है, और SBI तो खैर लग गई तो थोड़ा है ना, लोग भी थोड़ा आपको सडनली उस नज़र से देखना स्टार्ट कर देंगे जिसके लिए आप तरस रहे हैं, शायद जो एस्पिरेंट हो, जो चाहते हैं कि मेरी इज्जत नहीं है उस तरीके की। तो ये मुकाम काफ़ी है बिना बोले बहुत कुछ बोलने के लिए। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ये सब तो उनके लिए जो कैटेगरी में होते हैं। और वैकेंसी रही बात, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए कि आखिर वैकेंसी कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल की 810 है, EWS 200, OBC 540, SC 300 एंड ST 150। ओवरऑल आपकी जो वैकेंसी है वो 2000 है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग यहाँ बोलेंगे 2000 ऐसे वैसे, तो SBI PO इससे ज़्यादा वैकेंसी देता भी नहीं है। एक बार, मतलब शायद उसका 2200 था, मुझे याद है, बट इधर रिसेंट में तो 1600-1700 दे रहे थे, तो इस बार 2000 है। बट जो है सो है, आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है, निकालने वाले तो निकालते हैं, तो वैकेंसी देखकर आप अपने आप को निगेटिव नहीं कर सकते हैं वैकेंसी इतनी है, क्योंकि वैकेंसी यही होती है। SBI PO की वैकेंसी 4000-5000 ऐसे नहीं आती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बैंक है ये, है ना, और IPS तो लाइनअप में है ही। मतलब सिंपल सी बात है, एक बैंक एस्पिरेंट जो होता है, या कोई भी एस्पिरेंट होता है SSC जो भी, उनके लिए जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो कुछ भी हो, क्लर्क हो वो, और अगर PO लगे तो भाई साहब और भी बड़ी बात है, और थोड़ा सा SBI हो जाए तो समझ रहे ना, एक रॉयलिटी आ जाती है माइंड में, अच्छा SBI में PO है, वो एकदम लाजमी चीज़ है। आप ना एक, आप SBI में ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना, आप सिर्फ किसी को बोले कि मैं SBI में काम कर रहा हूँ,
वो आपसे शायद दोबारा बाद में पूछेंगे, पर SBI में काम मतलब होता है ना थोड़ा सा एकदम क्यूरियसिटी उनके माइंड में आ जाती है, आपको देखने का नज़रिया उनका बदल जाएगा। तो बस जाहिर सी बात है ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि फॉर्म फिलअप कीजिए ये कीजिए, जाहिर सी बात है हर लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, कोई इसको क्यों कोई नहीं रखेगा, क्यों नहीं फॉर्म फिल करेगा, रेस में तो खड़ा होना ही है और बाकी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद है ना। तो बस यही इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। और प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपडेट करने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।